sir. Hey, good morning. How are you? Good, sir. How are you? I'm good. Good morning, sir. Good morning. How are you? Fine. यहाँ साइन कर दीजिए. Pen, please. Thank you, sir. आपका कोई भी ID proof. Mr. Parmar, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ. How are you? Good to see you. I'm sorry, sir. This is a new staff. Mr. Parmar हमारे बहुत ही पुराने और important client हैं. बीजू सर का सामान 47 में रख दो. Okay, sir. Thank you. शबनम, माला आई क्या? ए, इधर आओ. टाइम क्या हुआ है? सॉरी सर, लेट हो गई. वो बेटी. अरे यार, तू मैंने ज्यादा फायदा मत उठाया करो. मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ. अगर आगे से देर से आई तो काम से बाहर समझो. और अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखो. जाओ, तैयार हो. गेट आउट. काजल, तेरे पास सिट्टी भी नहीं गया? क्यों, क्या हुआ? अरे देख ना यार, जल्दी जल्दी में फट गया थोड़ा सा. तू भी ना. देखना है क्या? नहीं है बाबा. ए, क्या देख रहा है? शो चल रहा है इधर? शो नहीं, नौटंकी. नौटंकी चल रहा है, वही देख रहा हूँ. ये टाइम पास करना बंद करो और चुपचाप काम पे लगो. बॉस ने बोला है. बहुत लेट हो गया यार, बहुत काम बाकी है. वो तो गलती से. गलती से? शबो, मैनेजर को बुला. मैं आपसे फिर से सॉरी कहता हूँ. सर, आप इनको सॉरी बोल रहे हैं? इन्होंने तो मीनू को. तुम चुप रहो, कुछ नहीं हुआ है. और जब सर कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ. सर, ये झूठ बोल रहे हैं. देखा, ऐसे ही अपने गेस्ट को अटेंड करती हैं. सीधे ही उंगली उठा दी. सॉरी बोलो सर से. सर, सॉरी बोलो वरना निकलो इस होटल से. सॉरी. हो गया, अब सोई सही. ओके, चलो सो जाओ. आप कर लो. दिमाग खिसक गया क्या तेरा? पागल हो गई है? अभी तो सिर्फ खरोचा है. फिर से मेरे घर में घुसने की कोशिश की रहे तो काट डालूंगी, समझा? भूल गई तू पहले क्या थी? दो टके की. रे, क्या बोला? फिर से बोल. चुप क्यों हो गया? हाँ, छोड़ू नहीं तेरे को मैं. चल यहाँ से, निकल. चल बहुत, चल बहुत बोल रही है तू. चल यहाँ से. जानती नहीं तू मेरे को. चल जा यहाँ से. तू समझी? छोड़ूंगा नहीं तेरे को मैं, समझी? फिर आऊंगा मैं, समझ लेना. माला के जीवन को देखकर यही जाहिर होता है कि वो बहुत मेहनती और जुझारू महिला थी.
जो खून पसीना एक करके अपनी बेटी को बड़ा करने की निरंतर कोशिशों में लगी हुई थी। क्या है हा? पिछले एक हफ्ते में माला दो बार लेट आई है, मुझे इसके बारे में पता भी नहीं। सर सुबह तो देखा तब नहीं, अभी दिखाई नहीं दे रही। सर वो आई है, वो इधर ही है, कुछ काम कर रही होगी, मैं उसको बुला के लेके आती हूँ। माला, 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 माला। सर आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं बताती हूँ आपको, खून हरीश ने किया है। गेम पॉकेट में साहब, ऐसे कैसे बंद करके रख सकते हैं? कहीं नहीं जाएगा तू, बहुत सवाल करने हैं तेरे से। हमें ये पता लग चुका है कि माला क्या काम करती थी वगैरह वगैरह, कब से जानता था उसे? वो 4 साल पहले मिला था। क्या यार कोई आ ही नहीं रहा है, पक गई हूँ मैं। तब वो कहाँ मर गए सारे के सारे मजनू? ये डाली चलती है क्या? धंधा मंदा है लेकिन इतना बुरा भी दिन नहीं आया कि तेरे जैसे फकीर के साथ चलो। चल आज ये फकीर तेरे को अमीर बनाएगा। आज पत्तों में अपन की बात थी, ये देख नाम लिखा है इस पे तेरा। चल उस दिन से तो जैसे अपना रोज का मिलना जुलना हो गया था साहब, फिर अचानक पता चला वो पेट से थी, साला सब बंद हो गया उस दिन से। और वो बच्चा तेरा है? मुझे क्या पता साहब, ऐसी लड़कियों का क्या भरोसा, कूड़ेदान में तो सबका कचरा होता है ना साहब, अब किसका कचरा कौन सा है ये थोड़ी बोल सकते हैं। सर मेरी उन तीनों से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है और माला से तो बिल्कुल नहीं, वो तो ये सब छोड़ के नौकरी करके अकेले एक बच्चे को बड़ा कर रही थी, जो कि आसान नहीं है, लेकिन माला कर रही थी। और जब मुझे पता लगा कि वो ये सब छोड़ के उसने ये धंधा फिर से शुरू कर दिया है तो मुझे दुख हुआ। आप चाहें तो और लड़कियों से पूछ सकते हैं, मैं एकदम सच कह रहा हूँ। हाँ सर वो सिर्फ दिखाता है कि वो सख्त है, अंदर से वो मोम है, अच्छा है बेचारा, उसे सच में हमारी परवाह है। प्रॉब्लम तो क्या? प्रॉब्लम तो क्या, बोलो डरो मत। प्रॉब्लम तो सर प्रवीण सर को है, वो पहले से ही हमसे चिढ़ते थे, वो तो सुधा मैम ने बोला इसलिए वो मान गए, वरना तो। और जब से पता चला कि हम तीनों में से किसी ने धंधा शुरू कर दिया है तब से तो वो। जल्दी जल्दी इधर आओ जल्दी, ए इधर जल्दी इधर। क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे? मेरे रिजॉर्ट में जो भी होता है ना मुझे सब समझ में आ जाता है। मेरी माँ ने तुम लोगों पे तरस खाया, तुमको यहाँ पे नौकरी दी, हाँ तुम पे विश्वास किया, मैंने उसे पहले ही बोल दिया था तुम लोग विश्वास करने के लायक नहीं हो। मुझे ना सीधा जवाब चाहिए, चुपचाप मुझे बता दो तुम तीनों में से ये गंदा काम कौन कर रहा है यहाँ पे, कौन कर रहा है प्रोस्टिट्यूशन यहाँ पे? जो भी मेरे रिजॉर्ट में होता ना मुझे सब कुछ समझ में आ जाता है, और मैं उन कस्टमर्स को कुछ नहीं कहूँगा। तो बेहतर होगा कि तुम तीनों में से जो भी ये कर रहा है ना मुझे 48 घंटे में बता दे। 48 hours, 48 घंटे हैं तुम लोगों के पास, इतना तुम तीनों यहाँ से बाहर जाओगे। बहुत भड़क गए थे सर, हम तीनों के लिए बहुत खुन्नस भर गई थी उनके अंदर, कहने लगे कि हम लोग होटल का माहौल खराब कर रहे हैं, लेकिन सुधा मैम बहुत अच्छी हैं, उन्होंने ही हमको बचाया। तो कौन था वो? क्या वो कौन था तुम में से जिसने धंधा वापस शुरू किया था? मुझे नहीं पता सर। देखो शबनम सच बता दो, हमसे कुछ छुपाना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं सच बोल रही हूँ सर, कसम से मुझे नहीं पता। ये माला जिसका तूने खून किया है, अरे इसको तो मैं जानता भी नहीं सर, मुझे तो ये भी नहीं मालूम इसका नाम माला है। हाँ मैंने इसको होटल में जरूर देखा लेकिन वो भी दूर से, उसके बाद एक बार बात भी हुई मेरी उससे, लेकिन उसके 5 मिनट बाद मैंने इसको मुर्दा पाया। तो फिर भागा क्यों वहां से, वो भी बिना चेकआउट किए? क्योंकि मैं डर गया था सर, ये सब देख के मैं डर गया था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब
सॉरी सर, मैं बाद में। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप कर लो, वैसे भी मुझे वॉशरूम में टाइम लगने वाला है, आराम से करो। बस बस हाँ, सब देख रहा हूं मैं यहाँ पर। तुम गलत समझ रहे हो। ए, मैं कुछ गलत नहीं समझ रहा। हाँ सब पता चल गया मुझे, तुम ये सब गंदे काम कर रही हो ना। ये इस घर पहले से ही पड़ी। मैं तो तुम्हारी जिम्मेदारी भी ले रहा था। सबसे छुपा कर। ए, 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 बस हाँ, तू कुछ और नहीं बोलेगी, समझ में आई तुझे? हाँ उस आदमी के जाने की आवाज आने के बाद चेक करके बाहर निकला तो जमीन पर पूरा खून था। मैं इन सब में फंसना नहीं चाहता था, सामान समेटा और भाग गया वहां से। पर तू वहां माला को मरता हुआ छोड़ के भाग गया। मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं था माला से, तो मैं इसको क्यों मारता? देख हम सब जानते हैं तेरा और उसका चक्कर चल रहा था ना, यहाँ आने से पहले तू उसे फोन करता था ना, और फिर होटल रूम में जाके तुम दोनों टाइम पास करते थे। सर वो ये नहीं थी सर। तो कौन थी वो? सर उसका नाम शबनम है, वो भी उसी होटल में काम करती है। मेरा माला के साथ कुछ लेना देना नहीं है सर। तेरा लेना देना किन किन लोगों के साथ है ना, वो हम पता कर लेंगे। मैंने झूठ बोला, मुझे तेरी नौकरी बचानी थी, इसके अलावा मैंने और कोई झूठ नहीं बोला, ताकि लोगों का शक तुमसे हटकर माला पे जाए। और तुम्हारे इस झूठ की वजह से माला की जान गई हो तो किन किन लोगों को माला के बारे में ये झूठ बताया था तूने? सर मेरे को पता था कि विजू हम सबको बहुत हेट करता है। सबको बताया और बताता भी क्यों नहीं? साहब गंदी नाली में रहती थी तो उधर ही रहो ना, बाहर निकलने की क्या जरूरत है? सब बिगाड़ के रख दिया। होटल क्या उनके बाप का है कि जहां देखो वहां धंधा खोल दिया? होटल क्या तेरे बाप का है जो तू डिसाइड करेगा कि कौन अंदर आएगा और कौन नहीं? और तू जो ये गंदी नाली की बात कर रहा है ना, वहां पे ये लड़कियां या तो बदकिस्मती से पहुंचाई जाती है या वहीं पे पैदा होती है। गंदी सोच तो तेरी है जो तेरे अंदर पैदा हुई, और ये कम था जो और लोगों में भी फैलाया तूने? गंदगी तूने फैलाई, उन लड़कियों ने नहीं, समझा? तू बोलेगा या मैं बुलवाऊं? हाँ हाँ, मैंने ही मारा उसे। मारना नहीं चाहता था पर मारा। एक साल पहले उसने मेरा रिसॉर्ट ज्वाइन किया, सब कुछ नॉर्मल था, फिर हम दोनों को प्यार हो गया, 6 महीने तक सब ठीक था। तो जब मॉम को पता चला तो वो चाहती थी कि ये सब बंद हो जाए, मैं सब बंद कर दूं। तो उसके बाद भी कोशिश की। ये धोखा ही तो है प्रवीण, आज मैं जो हूँ जहाँ हूँ तुम्हारी माँ की वजह से हूँ, और तुम मुझे बोल रहे हो उनको धोखा देने के लिए। अगर हम साथ रहेंगे तो उन्हें सच बताकर, वरना नहीं। दोनों बकवास बंद करो, नॉर्मल बातें करो, कुछ प्रैक्टिकल सोचो। ये फिलॉसफी ना मुझ पे मत झाड़ो, और तुम्हें तो बल्कि खुश होना चाहिए कि छिप छिप के सही, पर ये रिश्ता तो आगे बढ़ रहा है ना, वरना तुम जैसी लड़कियों को ना ये भी नसीब नहीं होता। अब ऐसे घूर क्या रही हो तुम? सही कहा तुमने, मुझ जैसी लड़कियों के नसीब में नहीं है ये सब। बर्दाश्त नहीं होता था मुझसे, एक सेकंड में मेरा सब कुछ खत्म हो गया। माला मेरे इतने पास थी लेकिन हमारे दरमियान कुछ भी नहीं था। लेकिन जब उस विजू ने मुझे आकर यह बताया कि इन 3 लड़कियों में से कोई एक लड़की फिर से धंधा करती है, तो वो मुझे सहन नहीं हुआ। मुझे समझ आ गया कि एक बार की वैश्या ना पूरी जिंदगी की वैश्या है। मैंने अपनी आंखों से उसे उस परमार के कमरे में देखा, अपने कपड़े एडजस्ट कर रही थी वो। ओ, तो ये सब हो रहा है यहाँ पर? ये है तुम्हारी असलियत? क्या क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहा हूँ, बड़ी बड़ी बातें करके तुम ये गिरोह काम कर रही हो, अपना जिस्म बेच के खा रही हो। तुम गलत समझ रहे हो। ए, 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 बस कर। हाँ सब देख चुका हूँ मैं, तेरे प्यार में ना मैं अंधा हो चुका था प्रवीण। ये इसका टाइम बस बस। हाँ सब देख रहा हूँ मैं यहाँ पर, तुम जैसे गिरी औरत के लिए ना मैं अपनी माँ के आगे रिक्वेस्ट कर रहा था। अरे मैं तो तेरी और तेरी बेटी की जिम्मेदारी लेने वाला था। सबसे छुपा कर। ए, 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 बस आप बहुत मत रहा। क्या बोली? बहुत देखो मतलब ये सब तुम जांच के बोल रही थी ना। हाँ
भरोसा किया था मैंने उस पर, बहुत भरोसा किया था, लेकिन उसने क्या किया, फिर से चली गई ना उस जिस्म के धंधे में, फिर से वेश्या बन गई। धंधा नहीं करती थी वो, कुछ नहीं किया था उसने। और जिस लड़की की तू बात कर रहा है ना, वो माला नहीं शबनम है। ये शबनम ने पैसों के लिए फिर से धंधा शुरू किया, ये परमार वगैरह, इन सब का शबनम के साथ चक्कर था। इन सब के कन्फेशन है हमारे पास। ये मैंने माला पुनर्वसन, दूसरा मौका, नई जिंदगी, माला को दिखाए गए ये सपने मात्र शब्द बनकर रह गए। वास्तव में हमारे समाज ने माला को कोई ऐसा मौका दिया ही नहीं। एक तरफ सुधा थी जिसने बेशक माला को नौकरी दी, लेकिन माला और उसके बेटे के बीच में कोई भी रिश्ता सुधा को नागवारा था। दूसरी तरफ परमार और हरीश जैसे हैवान जो अपने स्वार्थ के लिए माला जैसी लड़कियों को फिर से वेश्यावृत्ति के रास्ते पर लाकर खड़ा कर देते हैं। और अंत में प्रवीण जिसने माला से प्यार तो किया लेकिन उस पर कभी विश्वास नहीं किया, और उसका अविश्वास इतना गहरा था कि इसकी वजह से प्रवीण ने खुद माला की जान ले ली। इस पूरे हादसे के अंत में अगर एक चीज अच्छी हुई तो वो ये कि अपने बेटे के गुनाह का प्रायश्चित करने के लिए सुधा ने माला की बेटी के पालन पोषण की पूरी जिम्मेदारी अपने सर ले ली। इस सत्य से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता कि माला के साथ घोर अन्याय हुआ था। बदकिस्मती से उसके अतीत ने उसके वर्तमान और भविष्य दोनों का गला घोट दिया। उसकी मुस्कुराहट, उसकी जिंदगी उससे छिन गई। किसी की आलोचना कर उन पर अपनी राय बनाने की बजाय अगर हम सही मायने में सच्चे और निस्वार्थ भाव से उन्हें स्वीकार करें, समाज में आत्मसात करें, तो आज के इस केस की यही हम सबके लिए सीख होगी। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।